दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहाँ देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद सहारनपुर के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पूरे प्रदेश के साथ जनपद सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, अधिकारी मस्त और सरकार पस्त होकर अपना काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नगर विधायक संजय कर का कहना था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार न तो कानून व्यवस्था को पटरी पर ला पाई और न ही भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाई। किसानों को 14 दिन के अंदर उनके गन्ने का भुगतान करने की बात कही गई थी। यह सरकार 2 साल से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कर पाई है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है तो महंगाई भी आसमान को छू रही है। समाजवादी पार्टी ने आज सहारनपुर के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धरना देते हुए विभिन्न मांगों के समाधान के लिए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश में वास्तव में वर्तमान सरकार की गाड़ी पटरी से उतर गई है। लोगों को यह आभास ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भी है नहीं है। चौतरफा चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोग तड़प रहे हैं और छिसक रहे हैं। महंगाई आसमान पर छू रही है। सरकार केवल झूठे वायदे करने के अलावा और ध्रुवीकरण करने के अलावा और कोई दूसरा काम सरकार के पास नहीं है। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर पुलिस का उत्पीड़न जिस तरह से बढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों में छात्रों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, खाद बिजली बीज इन तमाम दाम महंगे हो रहे हैं, बिजली डीजल पेट्रोल के महंगे होने की वजह से किसान के तमाम इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं महंगी हैं, गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिल रहा, करोड़ों गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया पिछले वित्तीय वर्ष का भी बकाया है। इन्होंने वायदा किया था कि 14 महीने में हम सबका 14 दिन में सारा भुगतान करते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है, किसान को उसके उत्पाद का उचित दाम नहीं मिल रहा है। सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या कर दी गई, फर्जी तौर पर उनके नाम अभी भी चढ़ाए नहीं जा रहे हैं। ये तमाम घटनाएँ इस तरह से इंगित करती हैं कि प्रदेश में जो योगी सरकार है उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। रोज जिस तरह की कार्रवाई आ रही है कि कभी मंत्री ट्रांसफर करता है और मुख्यमंत्री उन ट्रांसफरों की लिस्ट को कैंसिल कर देता है। जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उस तरह से एक आम तौर पर ये परिवेश सामने आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। फर्जी तौर पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर जनता स्वतः खड़ी हो तो मेरठ में जिस तरह से उत्पीड़न करने का काम अल्पसंख्यकों के साथ किया है, निश्चित रूप से उसका उत्पीड़न आज तक नहीं हो पाया। इन तमाम परिस्थितियों को उजागर करते हुए बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के हेडक्वार्टर पर आज धरने का आयोजन कर इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने की कोशिश करने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जनपद
सहारनपुर की ननोता पुलिस ने झगड़े व अन्य वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद सहारनपुर में थाना अध्यक्ष ननोता भानु प्रताप सिंह की सक्रियता के चलते आज नगर में एक बड़ा बवाल होने से टल गया। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जानकारी के अनुसार दिल्ली रोड स्थित एक ढाबे पर कुछ युवक बाइकों पर सवार होकर पहुंच रहे थे, जिनकी संख्या दर्जनों में है। सूचना मिलने पर जंदेड़ी चौकी प्रभारी सतीश यादव SSI मनोज राठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और झगड़ा करने की फिराक में एक होटल पर बैठे 14 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर थाने ले आए। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनकी मौसी के लड़के के साथ मुजफ्फरनगर निवासी पांचु सैनी नाम के किसी युवक से फेसबुक पर चैटिंग के दौरान बहस हो गई थी, जिस पर मौसी के लड़के के कहने पर हम लोग उस युवक से निपटने के लिए अपने गांव से इकट्ठा होकर ननोता पहुंचे। फेसबुक पर मौसी के लड़के के साथ बहस करने वाला युवक द्वारा फोन पर हमें अपनी लोकेशन बताई गई। युवक द्वारा बताई गई लोकेशन पर हम लोग यहां उसे व उसके साथियों से निपटने के लिए लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे थे। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार सभी युवकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ईद उल अजहा से पहले बकरों को बियर पिलाकर मोटा तंदुरुस्त करने वाले वीडियो पर उलेमाओं ने नाराजगी जताते हुए इसे नाजायज बताया। ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार में मुश्किल से 2 दिन बचे हैं। कुर्बानी के लिए खूबसूरत और अच्छे वजनदार बकरों की तलाश में लोग दूर दूर तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अगर उनको यह पता लग जाए कि जो बकरा वो खरीद रहे हैं उसका वजन बियर पिलाकर बढ़ाया गया है तो सोचो क्या होगा। जी हाँ, एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग बकरों को मोटा करने के लिए बियर की बोतल उनके मुँह में उड़ेल रहे हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वीडियो कहाँ का है। इसमें 4 लोग एक मकान की छत पर बकरों को बियर पिलाते नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में बियर की बोतलें हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग वजन बढ़ाने के लिए बकरों को बियर पिला रहे हैं। किसी ने छत से यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन दिनों यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बकरों को बियर पिलाने के वायरल वीडियो पर मशहूर आलिम मौलाना कारी इसहाक कोरा ने शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि मजहब इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। बड़ी शर्म की बात है, शराब हराम होने के बावजूद भी ये 4 लोग बकरों को बियर पिलाकर एक बड़ा गुनाह और बकरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा घिनौना और शर्मनाक काम है। जितने भी व्यक्ति बकरों को शराब पिला रहे हैं वह गुनाह अजीम और हराम काम कर रहे हैं। शरीयत के अनुसार ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। बकरीद बहुत करीब है। सोशल नेटवर्क पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें बकरों को बियर पिलाकर उनको फुलाने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो कहाँ की है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। शराब मजहब इस्लाम में हराम है और बकरों को शराब पिलाकर उनको फुलाने की कोशिश की जा रही है। यह सरासर जुल्म और ज़्यादती और उन जानवरों के साथ हराम काम है, जो कतान कतान बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मुसलमानों को चाहिए कि जानवर लेने से पहले एहतियात बरतें, उनको भांपें, परखें और अगर उन पर ज़रा भी शक हो तो उस जानवर को ना लें। कहीं आप अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और अल्लाह की यहाँ वो कबूल ना हो, इससे पहले कि एहतियात बरता जाए। और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो लोग जानवरों के साथ जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, उनके साथ शराब पिला रहे हैं। जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में आने वाले फरियादियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक के वाहनों की जांच की गई, वहीं बिना हेलमेट प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। सहारनपुर की पुलिस लाइन में आज अपने फरियाद लेकर पहुंचने वाले लोगों के वाहनों की जांच तो की ही गई, साथ ही साथ ऐसे पुलिस कर्मियों के वाहनों की भी जांच की गई जो पुलिस लाइन में रहते हैं लेकिन यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। आज सहारनपुर की पुलिस लाइन में यातायात विभाग ने एक कैंप लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जाँच की। जाँच के दौरान जिस व्यक्ति के पास पूरे कागज अथवा लाइसेंस नहीं था उसका चालान काट कर जुर्माना वसूला गया। साथ ही साथ पुलिस लाइन में पहुंचने वाले नेता, पत्रकार और पुलिस कर्मचारियों के वाहनों की भी जांच की गई। यातायात विभाग की इस कार्रवाई से पुलिस लाइन पहुंचने वाले फरियादियों में तो हड़कंप मचा ही रहा, साथ ही साथ ऐसे लोगों में भी हड़कंप की स्थिति रही जो लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं और न ही यातायात के नियमों का पालन करते हैं। SP ट्रैफिक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस लाइन के अलावा पूरे जनपद में लगातार चलती रहेगी। जो भी व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहारनपुर पुलिस लाइन्स में आज एक चेकिंग अभियान चलाया गया है यातायात के नियमों के उल्लंघन के अगेंस्ट में।
कोई भी व्यक्ति अगर सहारनपुर पुलिस लाइन में एंटर करेगा और यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसका सही धाराओं में चालान काटा जाएगा। क्या मैडम सिर्फ जो चालान हो रहा है इशू जो चालान का हो रहा है अभी पुलिस लाइन में चल रहा है कि पूरे जनपद में चल रहा है? पूरे जनपद सहारनपुर में ये अभियान हमने बहुत पहले से छेड़ा हुआ है। पुलिस लाइन में भी हम बीच बीच में अभियान को करते हैं, उन्हीं में से आज एक दिन इस अभियान को चलाया जा रहा है। पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए वहाँ पे कंप्लेंट्स बैनर्स लगने के बावजूद भी विदाउट हेलमेट के जो है अभी भी पेट्रोल मिल रहा है, क्या अभी तक उन लोगों का कोई एक्शन या कार्रवाई इस तरीके से की? पेट्रोल पंप ओनर्स का सहयोग हमारे इस अभियान में नो हेलमेट नो पेट्रोल में उनसे वांछित था, जिसमें कई लोग हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। इसमें हर तरह से उनकी हेल्प भी की जा रही है। 100% इसका अभी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाए हैं लेकिन उसकी तरफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे जो पुलिस लाइन में अभियान चल रहा है क्या ये कब तक चलेगा या रोजाना चलेगा, क्या इसका कुछ हफ्ते में एक दिन रखा है? पुलिस लाइन का जो अभियान चल रहा है वो स्पेशली पुलिस लाइन में एंटर करने वाले लोगों पे लगाया जा रहा है कि बीच बीच में हम करते रहेंगे आज से एक दिन में। क्या पुलिसकर्मी भी इसमें हेलमेट अगर पाएंगे तो क्या? पुलिस लाइन में एंटर करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसका चालान कटेगा। चैनल के माध्यम से कुछ आग्रह करना चाहेंगे जनता के लिए? मेरी जनता से यही आग्रह है कि हेलमेट जरूर पहनना सुनिश्चित करें। यदि आप 2-व्हीलर चला रहे हैं, यदि आप 4-व्हीलर चला रहे हैं कृपया सीट बेल्ट जरूर पहनें क्योंकि इससे आप बहुत बड़े हादसों से बच जाएंगे। माइनर बच्चे जो हैं नाबालिग वो बिल्कुल भी जो 2-व्हीलर्स हैं या 4-व्हीलर्स हैं उनको ना चलाएं और ये सुनिश्चित करना उनके अभिभावकों का कर्तव्य है। मेरे अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने छोटे बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके से कोई भी वाहन चलाने की अनुमति प्रदान ना करें। जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को मिर्जापुर थाना परिसर में उससे जुड़ी हथनीकुट बैराज शाकुम्भरी देवी व बादशाही बाग तीनों चौकी परिसर में थाना प्रभारी परविंदर सिंह उज्जवल द्वारा छायादार पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी जरूरत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ पौधों से जहां हमें शुद्ध हवा मिलती है वहीं जीवन की अन्य जरूरतें भी पूरा होती हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के लिए अपने घरों में एक एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि थाना परिसर में व उससे जुड़ी तीन चौकियों के परिसर में 5 प्रजातियों के 300 पौधे लगाए गए हैं जिनमें खैर सागौन आदि के पेड़ शामिल हैं। वृक्षारोपण के समय उप निरीक्षक मोहम्मद जहांगीर, बादशाही बाग चौकी प्रभारी श्रवण कुमार, हथनीकुंड चौकी प्रभारी विशंबर सिंह, शाकुम्भरी चौकी प्रभारी नेमपाल सिंह, उप निरीक्षक सुशील कुमार व अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। शिवालिक वन प्रभाग की बड़कला रेंज बादशाही बाग परिसर व उससे जुड़ी चपड़ी मगनपुरा खैरोवाली बादशाही बाग व करौंदी बीट में भी शुक्रवार को बड़कला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र ध्यानी व उनकी टीम द्वारा छायादार वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण करते हुए रेंज अधिकारी राजेंद्र ध्यानी ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश में इस महाकुंभ के मौके पर 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत बड़कला रेंज में आज 2,40,766 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। इतना ही नहीं पेड़ पौधों से जहां हमें प्रत्यक्ष लाभ होते हैं वहीं कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी पेड़ पौधों से होते हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपने घरों के आंगन में एक एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बादशाही बाग के ग्राम प्रधान मोहम्मद इकलाक, फैजाबाद के ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद सलीम, सफीपुर के ग्राम प्रधान अशोक राणा, इनके अलावा वन दरोगा पान सिंह, वन रक्षक यशपाल राठौड़ आदि शामिल रहे। शासन द्वारा रखे गए वृक्षारोपण महाकुंभ के मौके पर केंद्रीय संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को लाव लश्कर के साथ मिर्जापुर के गांव कासमपुर में पहुंचकर शासन के आदेशानुसार स्वच्छ एवं खुशहाल जीवन के लिए गांव के बीच बने तालाब के किनारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार राणा की मौजूदगी में छायादार पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के समय उनके साथ जल निगम के अधिशासी अभियंता राजेंद्र सिंह, एसडीओ नरेश गुप्ता, ग्राम पंचायत सचिव अमर तोमर, विजय संदीप, विजेंद्र लेखपाल, पंकज आदि के अलावा ग्रामीण मोहम्मद आकिल, सईद बीडीसी, कल्लू ठेकेदार, भीमसेन आदि मौजूद रहे।
और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। सहारनपुर जिला प्रशासन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की शायद अलग सी लत लग गई है। यही कारण है कि चुनाव के समय एक साथ पोस्टकार्ड बनाने को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी आलोक पांडे पहले भी सहारनपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं। अब एक साथ 54,000 पेड़ हिंडन नदी के किनारे लगाकर सहारनपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए तैयारी कर चुके हैं। वृक्षारोपण के अवसर पर भले ही प्रदेश के प्रमुख सचिव के राम मोहन राव, कमिश्नर संजय कुमार मौजूद रहे हों, लेकिन जिस तरीके से जनपद सहारनपुर में 35 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य जिला अधिकारी ने तय किया है, उससे लगता है कि जिला अधिकारी आलोक पांडे की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम पूरी तरीके से सहारनपुर का नाम रोशन करने में लगी हुई है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान एक साथ 180 किलोमीटर लंबी नदी के दोनों ओर हरे पेड़ लगाने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन कामयाब होता नजर आ रहा है। सहारनपुर प्रशासन ने सहारनपुर की जनता से भी सहयोग की अपील की है। निर्मल हिंडन वृक्षारोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में वृक्षारोपण किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी नोरंगपुर पहुंची। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव नोरंगपुर में आयोजित निर्मल हिंडन वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव राम मोहन राव ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपित करने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे कई तरह से काम आते हैं। पेड़ों से जहां हमें फल मिलते हैं, वहीं पर्यावरण भी संतुलित रहता है। उन्होंने कहा कि यहां से विश्व रिकॉर्ड बनना देश ही नहीं दुनिया भर को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करेगा। सहारनपुर जिले में आज हमने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत इस स्थान से प्रारंभ किया। आप पीछे देख रहे हैं, हिंडन नदी का रिवर बेड है। हिंडन नदी हमारे जनपद में लगभग 92 किलोमीटर बहती है। 92 किलोमीटर के दोनों बैंक्स पर यानी 90+90 लगभग 184 किलोमीटर कंटिन्यूअस यहाँ से 9 किलोमीटर दूर हिंडन का ओरिजिन है, और चूंकि पहाड़ी है इसलिए 9 किलोमीटर बाद हमने स्टार्ट किया है, और ये मुजफ्फरनगर बॉर्डर तक जाएगा। 180 किलोमीटर, 50,000 पौधे, जिसमें 15,000 लोग हर गांव के दोनों तरफ खड़े हैं, और 72 गांव के प्रधान और लोकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये एक आज मैं नोडल ऑफिसर के रूप में यहाँ पहुँचा हूँ। आज पूरा प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। 22 करोड़ पेड़ लगवाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और यहाँ करीब 33 लाख पेड़ लगवाया जाएगा लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य के ऊपर 35 लाख पेड़ लगवाया जा रहा है। यहाँ आयुक्त साहब और जिलाधिकारी ने बहुत मेहनत किया है। अभी हिंडन नदी का एक साथ 54,000 पेड़ एक ही साथ लगाया जा रहा है, ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पार्ट है। और आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में क्योंकि हमारा फॉरेस्ट कवर है बहुत कम है, करीब 6-7% के बीच में रहता है, इसको हमको बढ़ाना है तो पेड़ लगवाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं प्रकृति बहुत कितना बदलाव हो गया है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पानी को स्वच्छ रहना, हवा को स्वच्छ रखना, खाने पीने चीज़ों को स्वच्छ होना है, तो हम सबको पेड़ लगवाना बहुत ज़रूरी है। और ये पेड़ लगवाना अकेले सरकार की एक योजना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति इसको महसूस करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं जिस जगह में बारिश नहीं होने वहाँ खूब बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ बिल्कुल बहुत कम बारिश हो रही है। ये प्रकृति में बहुत बदलाव हो रहा है इसी के कारण, और गर्मी भी बहुत बढ़ रहा है, इसलिए हर व्यक्ति एक अभियान के रूप में, जनता एक अभियान के रूप में इसको लेना चाहिए, और एक हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए। एक जिम्मेदारी मतलब एक पुण्य का काम महसूस करके हर व्यक्ति पेड़ लगवा के इसके बाद इसको देखभाल भी करना चाहिए। और पूरा मुझे उम्मीद है यहाँ प्रशासन, सहारनपुर का प्रशासन बहुत मेहनत से काम कर रहा है, और ये 35 लाख पेड़ आज लग जाएंगे। और आपको भी, आपसे भी अनुरोध है, आप लोग भी एक एक पेड़ लगवा के इसको देखभाल करिएगा। ये पूरी जो यहाँ के ग्रामीणों की जो समस्या है उसको लेकर के हम लोग संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे उनके दौरे के दौरान इसको रेज किया गया था, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरा डिटेल एस्टिमेट परीक्षण होकर के शासन पहुंच गया है। प्रमुख सचिव महोदय ने हमें विश्वास दिलाया है कि जल्द ही उसको ईएफसी करा करके इसकी स्वीकृति दी जाएगी। जैसे ग्रामीणों को कहना है कि बार बार वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको कहा गया था कि काम शुरू, उनके सामने जेसीबी लाकर काम शुरू कर दिया गया था। देखिए फिर उनको क्या एक जो ग्रामीणों की दो मांग थी, एक तो उनके गाँव में बंधे का निर्माण जिससे कि प्रोटेक्शन का कार्य हो, वो काम 40 लाख के आसपास का था, उसको हमने तत्काल प्रमुख सचिव सिंचाई से हम लोग ने वार्ता करके उसको शुरू कर दिया। दूसरी जो मांग है उसमें एक प्रक्रिया है, परंतु वो मैं विश्वास, मैंने गांव वालों को पहले भी संदेश भेजा था, पुनः देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, कि यह
जो एस्टिमेट जो गया है ये बहुत जल्द स्वीकृत हो जाएगा, एडवांस स्टेज पे है। एक प्रक्रिया है, ईएफसी होना है, उसके बाद उसके ही जियो जारी करने की प्रक्रिया हो सकती है। वो प्रक्रिया अपना करके हम जल्द ही, ये खुशखबरी है, हम ग्रामीणों को देंगे। वृक्षारोपण में आज आपको एक रिकॉर्ड कायम किया, उसके बारे में। ये एक बहुत हर्ष का विषय है कि पूरे सहारनपुर मंडल में लगभग 68 लाख पौधे हम लोग लगा रहे हैं, और सहारनपुर जनपद की बात करें तो इसमें करीब 35 लाख के आसपास हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं। आज जो हम लोग ने हिंडन के तट पे जो कार्य शुरू किया है ये एक साधारण कार्य नहीं है, एक ऐतिहासिक कार्य है। आज हम लोग ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके एक साथ एक समय में एक से दो घंटे के अंदर हम लोग 54,000 पौधे हिंडन के तट पे लगा रहे हैं। ये एक अपने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे देखा कि एक संस्था ने उसका प्रमाण पत्र भी दिया। परंतु हमारा जो लक्ष्य है 30 सितंबर 2019 तक हम लोग पूरे अपने मंडल के दो ज़िले हैं, सहारनपुर ज़िला और मुजफ्फरनगर जनपद, इन दोनों जनपद में करीब 125 किलोमीटर की लंबाई में हिंडन चलती है। हम इस पूरी लंबाई पे तट एनक्रोचमेंट हटाएंगे। इसमें काफ़ी काम हो भी गया है, करीब करीब 30% काम हो भी चुका है, और हम एनक्रोचमेंट हटा करके तटबंध पे पूरी तरह हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करके संतृप्त करेंगे। यह एक नेचुरल बैरियर होगा, ग्रीन वाटर बॉडी को, क्या, नदी को रिचार्ज करेगा, कटान को भी रोकेगा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के साथ साथ वायु आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। जो नदियों से पोल्यूटेड वाटर आता है उससे भी कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं। नहीं, डेफिनेटली जो इस नदी पर स्थित जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उस पर भी नज़र रखने की बात है, और हम लोग इसकी एक वृहद व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रैंडम चेकिंग, इनके पूरे डिस्चार्ज सिस्टम, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को ऑनलाइन करना जैसे कि भारत सरकार के आदेश हैं, और उसके अलावा रैंडम और रात्रि में भी हम इस चीज़ को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि उनका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मानक के अनुरूप चल रहा है। हाईवे के किनारे पर भी मेरे ख्याल से प्लांटेशन होना, बिल्कुल, हमारे जनपद में मैंने नेशनल हाईवे के साथ जो बैठक की थी उसमें निर्णय लिया था कि हम इस बरसात के सीज़न को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जहां हमारा राइट ऑफ वे बन गया है और काफ़ी हद तक निर्माण हो गया है, चाहे वो मीडियन हो या साइड के प्लांटेशन हो, उसको भी हम 30 सितंबर से पहले पूर्ण रूप से संतृप्त करेंगे। हमारे यहाँ 42 किलोमीटर का एक बाईपास भी बन रहा है। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अगर मजदूरों की मांगों को जल्द ही समाधान नहीं किया जाता तो आगामी 2 सितंबर से वह काम रोको हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदर्शनकारी नेताओं की मांग थी कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषदों में सफाई कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति के आदेश काफी लंबे समय से अटके हुए हैं, उनको पूरा किया जाए। साथ ही साथ विधान परिषद, राज्यसभा समेत नगर निगम, नगर परिषद में मजदूर सफाई कर्मचारियों के 11 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना चाहिए। ने कहा कि अभी तो यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो वह बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आज यहां पे सरकार द्वारा जो निजीकरण करने जा रही है समस्त नगर पालिकाओं का, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का, ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। इसमें चरणवार हम लोग उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में धरना एवं प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। ये पहला चरण है आज का, फिर 22 तारीख को हम कमिश्नर साहब को देंगे, 16 को कमिश्नर साहब को, और 22 अगस्त को लखनऊ के नगर निगम कार्यालय पे हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो पूरा प्रदेश अपनी समस्त संगठनों के साथ काम बंद हड़ताल पे जाएगा। क्या मांगे मेन? हमारी मेन मांगे आएगी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सफाई कर्मचारियों का वेतन बराबर होना चाहिए। 59,000 पद जो रिक्त पड़े हैं सफाई कर्मचारियों के, उस पर तत्काल अस्थाई नियुक्तियां होनी चाहिए। मृतक आश्रितों के जो पद खाली पड़े हैं उन पे अस्थाई नियुक्ति होनी चाहिए, और संविदा के जो हमारे कर्मचारी हैं उनका समावेश होना चाहिए परमानेंट नियुक्तियों पे। ये हमारी मांग है, और हमारे जो संगठन है हमारे साथ में यहाँ पे, वह संगठन उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ तो है ही है, उसके साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ।
सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर एक किशोर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। किशोर का कसूर केवल इतना था कि वह नर्सरी वाले के यहाँ किसी काम से गया हुआ था और उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और विवाद में इस किशोर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गंभीर अवस्था में किशोर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको बता दें, सहारनपुर के थाना मंडी इलाके के मोहल्ला आली के रहने वाले आजम पुत्र गुलफाम को वहीं पर रहने वाले एक नर्सरी संचालक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। हम इसे चिट्ठी लेकर के आए थे मोहम्मद आजम चाकू लगा हुआ बताया। तो सर इसे जो चोट आई है कितनी चोट आई है सर? ये इनका आपसी झगड़ा था, फिर वहाँ पे मैं गया, मेरे पे हमला किया पहले उन्होंने, फिर हम वहाँ से आ गए किसी तरह निकल के जान बचा के अपनी, फिर हमारी दुकान पे इन्होंने आ गए हमला किया हमारे पे। ये जिनके साथ झगड़ा हुआ है क्या नाम है इनका? इनका नाम अयूब है। किस बात पे झगड़ा हुआ है सर? ये बच्चों की लड़ाई थी इनकी, ये लड़ लिए वहाँ पे, फिर ये जो हज अयूब है ये ले चढ़ाई करके हमारी दुकान पे आए, बच्चों को अपने सारे परिवार को ले गए, काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने हमारे पे आके हमला किया, फिर कोई धारदार हथियार से इसी कमर पे वार किया। डॉक्टर ने चोट कितनी बताई है? चोट चेस्ट तक है, काफ़ी गहरी चोट है। डॉक्टर ने हाई सेंटर रेफर किया? जी, बराड़े के लिए रेफर किया। बराड़े के लिए रेफर कर दिया। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम मदद की गुहार करते हैं सरकार से, गरीब आदमी है। एसएसपी मेरठ द्वारा जुमे के दिन सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के आदेश को लेकर देवबंदी उलेमा नाराज हैं और कहा कि यह आदेश केवल एक मजहब के लिए है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसे आदेश बनाना यह गलत है। हिंदुस्तान आजाद देश है और उससे सभी धर्म के सभी मजहब के लोग रहते हैं। अगर कानून बनाना ही है तो सभी के लिए एक कानून बने, किसी मजहब के लिए अलग से कानून ना बनाया जाए। देखिए, एसएसपी साहब ने जो जुमे की नमाज को लेकर जो पाबंदी लगाई है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हिंदुस्तान का आईन और दस्तूर जो है, तमाम ही मजाहिब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून जो है तमाम ही लोगों के लिए यकसा और बराबर है, ऐसा नहीं कि जो है किसी ज़ात के लिए अलग कानून बनाया जाए। तो जिस तरीके एसएसपी साहब ने जो आदेश जारी किया है कि जुमे के दिन लोग सड़कों पर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, हालांकि हमारे यहाँ नमाज जो है सिर्फ 5 मिनट की होती है और अमन और शांति के साथ में उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। अगर कानून बनाना है, कोई आदेश जारी करना है, तो तमाम ही मजाहिब के लोगों के लिए जारी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू भाई अपने बहुत सारे त्यौहार सड़कों के ऊपर मनाते हैं, और इसी तरीके से आपने देखा कि कांवड़ यात्रा निकलती है, बेशुमार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है किसी की मजहब के ऊपर कोई उंगली उठाना नहीं चाहते, और जो है इस मजहब के अंदर तमाम ही लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। तो हमने जो है उनका सम्मान भी किया, उनको पानी भी पिलाया जगह जगह, और उनको फल भी खिलाए, और उनका हर तरीके से सहूलत मुहैया कराने की वो की। तो एसएसपी साहब को चाहिए कि कोई भी कानून या कोई भी आदेश जारी करने से पहले तमाम ही मजाहिब के लोगों के लिए वो कानून होने चाहिए, किसी एक जात धर्म को जो है के लिए कोई कानून ना होना चाहिए। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।